ए बाबू, टीवी के माध्यम से ते सदी के महानायक फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव निकला है बाबू। और कवि जी अपने लेखनी के माध्यम से, और हम भगवान से विनती और प्रार्थना करते हैं बाबू, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही हम लोग कामना करते हैं। कहना है कैसे, सुनली खबरिया मिलल सबरे समैया हो, सुनली खबरिया मिलल सबरे समैया हो, भैया अमिताभ जी के भयल बा कोरोना हो, ए बाबू पूरे परिवार को कोरोना मिला है बाबू। लेकिन एहर देखिए, जा करके भर्ती भइला कौने हॉस्पिटल में भर्ती भइला, भर्ती उ भइला नाना वती हॉस्पिटलवा भैया, भरती उ भइले नाना वती हॉस्पिटलवा भैया, पूरा परिवार साथे भयल बा कोरोना हो, ए बाबू नानावती हॉस्पिटल में जा करके पूरे परिवार का इलाज चल रहा है बाबू। और लोग आपस में बाबू भगवान से विनती और प्रार्थना करते हैं कि फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को बाबू एक कोरोना से जल्द ठीक हो जाएं। क्या कहना, लोगवा कहे ला भोला कवनो उपाय करा, लोगवा कहे ला भोला कवनो उपाय करा, ठीक हो जाई अमिताभ जी कोरोना हो, भगवान भोलेनाथ से बाबू बनारस के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग अमिताभ बच्चन जी के पूरे परिवार को कोरोना से बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और कवि जी गीत के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को एक नसीहत देते हैं और कहते हैं क्या, लॉकडाउन पालन करा दूरी बनावल करा, कवि जी का यही संकेत है बाबू कि जो हमारे हिंदुस्तान में महामारी यह कोरोना चला है बाबू, एक उपाय और एक काम करेंगे तो आप लोग को कभी भी कोरोना पास नहीं आएगा। कहला एक मीटर के दूरी बना करके रहे, और सैनिटाइजर से हाथ और साबुन से बाबू हाथ को हमेशा धो करके ही खाना खाए या पानी पिए, ये कबीर जी का संकेत है। कहला का
लॉकडाउन पालन करा दूरी बनावल करा लॉकडाउन पालन करा दूरी बनावल करा भैया होई नहीं कोई के कोरोना वालू हो एक चीज और बताऊ ले हमारे बाप दादाओं ने पहले के वैद्य जी ने बताते हैं बाबू कि गर्म पानी पिए से आपके कभी बीमारी नहीं आई और कभी चोट लगल शरीर पर तो हरदी दूध में मिला करके आप लोग पी लीजिएगा आपका थकान दूर हो जाई। ये पहले के पुरनिया दादा लोग हमन का बतावा यह आज का हमारे चिकित्सा विभाग बताती है बाबू बचाओ कि आप लोग गर्म पानी पिए और कभी जी अपने गीत के माध्यम से संकेत दे लगा पहले का लोग कहे यह उपाय चले पहले का लोग कहे ऊह उपाय चले पंकज राजेश कहे मानी ला कहा नवालू हो